Hello friends, welcome back to everyone in my YouTube channel Ranjan Sir Triple SS 88. Friends, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 NCERT मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मतलब पहले समझना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, क्वेश्चन समझ लेंगे और क्वेश्चन समझते आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, इसका मतलब है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, इसका मतलब है कि वे सभी जीरोस निकाले, वे सभी शून्यांक निकालिए जिसका 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये जैसा कि आपको पॉलीनोमियल दिया गया है, हर इस पॉलीनोमियल का सभी जीरोस निकालना है, सभी शून्यांक निकालना है, जिसका दो जीरोस दिया हुआ है, दो शून्यांक दिया हुआ है, एक शून्यांक है प्लस √5/3 और दूसरा है −√5/3। तो बाकी जो बच गया उसे हमें फाइंड करनी है। तो फ्रेंड्स, कैसे सॉल्व करेंगे, आसान सा मेथड है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, देखना है ये जो क्वेश्चन है किस टर्म में है, x के रिस्पेक्ट में है या y के रिस्पेक्ट में है। अगर x x है इस क्वेश्चन में तो x लिखना है, अगर y के रिस्पेक्ट में है तो y लिखना है, अगर p के रिस्पेक्ट में है तो p लिखना है। तो समझिए क्वेश्चन किस में है, x के टर्म में है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, x लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, x लिख देंगे। समझ में आया फ्रेंड्स, अगर ये y रहता तो क्या लिखते, y। इसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, समझिए ये जीरोस दिया है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, इस पे एक बार वैल्यू इसको ले लेते हैं, इसमें ऐसे लेके चलना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, और इसे ब्रैकेट में बंद कर देना है, यानी x प्लस √5/3। उसके बाद देखिए दूसरा जो है उसे ऐसे लिख देंगे, ये भी x के टर्म में लिखेंगे x, और उसके बाद जो है माइनस है तो माइनस में लिख लीजिए √5/3। तो फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, बस सेम टू सेम ध्यान देना है, अगर x के टर्म में है तो x लिखिए, y के टर्म में है तो y लिखिए। तो मुझे x के टर्म में मिला तो x लिख दिया, और उसके बाद जो जीरोस दिया है वो लिखना है प्लस, तो प्लस √5/3। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लेना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा x है तो x ही लिखना है, −√5/3, यानी दोनों को x के टर्म में लिखना है, अगर y रहे तो दोनों को y के टर्म में। अब देखिए मुझे करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझिए, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो एक फार्मूला पे बेस आ गया है, फार्मूला बेस्ड है, तो ध्यान दीजिएगा नंबर बिल्कुल सेम टू सेम, ब्रैकेट सेम, नंबर सेम, बस फर्क एक चीज का है, वो है साइन, यानी कि प्लस है और यहाँ माइनस। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक बार प्लस और एक बार माइनस नंबर सेम रहे तो फार्मूला होता है a² - b², समझिए फ्रेंड्स। इसे a लेट करेंगे और इसे b लेट करेंगे, इसे a लेट करेंगे, इसे b लेट करेंगे। अब मुझे करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a² - b². तो मुझे क्या करना है, a² - b², तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करें, यहाँ पे लिख देंगे सिंस करके, तो समझिएगा a² ये किसको माने हैं, x को, x का स्क्वायर, और माइनस b² b कितना है, तो देखिए इसमें से b लीजिए चाहे इसमें से लीजिए, बात एक ही है, साइन लेना नहीं है, हमें जो फार्मूला में साइन है वही लेके चलना है। तो क्या करना है, −5/3 का होल स्क्वायर, हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या फ्रेंड्स, x² - 5/3। आप देखना है क्या करना है मुझे, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 लेना है और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेना है, तो 3 और 1 का एलसीएम हो गया फ्रेंड्स 3, 1 से 3 में डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन का टर्म है तो 3 में आएगा 3x² - 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 10, तो 5 का 5 ही रह जाएगा,
आर इक्वल टू जीरो, कुछ नहीं तो वन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, वन से करना है तो क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा, और इसको जीरो से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे हुआ, आपको पता चल गया a plus b into a minus b यानी a square minus b square पे हुआ है। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स स्पेस अपने पास कम है, स्पेस इसके लिए मैं रफ कर देता हूँ। अब मुझे किससे काम है, बस ये जो आया कम इससे काम है। अब देखिए आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, थ्री इसको क्या करना है, ये जो नंबर आया इस नंबर को डिवाइजर मानना है, डिवाइजर यानी कि इससे डिवाइड देना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसे लिख दिया, और उसके बाद जो ए नंबर है उसे डिविडेंड यानी कि बीच में रखना है और इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आने वाला है, 10x प्लस सॉरी माइनस 5 इस प्रकार से है फ्रेंड्स। अब देखिए मुझे करना क्या है, तो आसानी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप एलजेब्रिक पॉलीनोमियल का डिवाइड कैसे करते हैं, अभी भी ध्यान दीजिएगा आसानी से। तो फ्रेंड्स डिवाइड का रूल्स होता है, इसका शुरू 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 मिलाना होता है। तो शुरू से शुरू तो मिल गया फ्रेंड्स, तो पहले क्या मिलाना होता है, पहले नंबर। तो देखिए इसमें भी नंबर है और इसमें भी नंबर है, और नंबर दोनों का सेम है, ये थ्री है ये भी थ्री है, तो हमें कोई नंबर लिखना नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नंबर के बाद क्या देखना होता है, पावर। ये पावर टू है और ये पावर फोर है, तो हमें क्या कमा, तो देखिए हमें कम पड़ रहा है ओनली पावर, क्योंकि नंबर तो सेम है, तो जो सेम है उसे लिखना नहीं है फ्रेंड्स। तो पावर कितना कम रहा है, टू है अरे फोर है, कितना पावर कम रहा है फ्रेंड्स, तो दो पावर, तो दो पावर दे दिया मैंने। अब देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए रफली एक्स स्क्वायर जो अभी जस्ट लिखी है उसको ब्रैकेट के बाहर, और जो ये पूरा है इसको अंदर, पूरा को लिखना है जो आपका डिवाइजर है। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3x के पावर कितना हो गया, 2 और 2 4, और उसके बाद एक प्लस और एक माइनस, माइनस 5x स्क्वायर इस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए जिस प्रकार से आया उसे लिख देते हैं, 3x के पावर 4, 4 वाला 4 के सामने और एक 2 वाला 2 के सामने, यानी कि यहाँ पे 5x के पावर 2, ये 2 वाला इसके सामने नहीं लिख सकते क्योंकि ये 3 है और ये अपना 2 है, तो 2 के सामने लिख दिया। अब जो हमारा साइन है वही लिखना है, माइनस आया तो माइनस ही लिखना है, ऐसा नहीं ऊपर को देख के लिखते हैं, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अब ध्यान देना है मुझे साइन चेंज, ये प्लस है इसे क्या कर देना है माइनस। साइन कैसे चेंज होता है फ्रेंड्स, नीचे से, नीचे का देखना है ऊपर से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसका साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे नंबर नहीं है, नीचे नंबर रहेगा तभी साइन चेंज होगा इसका। ये देखिए नीचे नंबर है, माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, ए कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करना है, ए तो कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस में अरे माइनस से नंबर से पावर से कैंसिल। अब देखिए क्या करना है, पावर थ्री वाला पहले लिख लेंगे जिसका पावर बड़ा है, तो प्लस 6x के पावर 3 जैसा था सेम टू सेम इसको शो कर दिया। उसके बाद देखिए माइनस से प्लस से तो माइनस प्लस घटती है, साइन किसका पड़ेगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन हो गया फ्रेंड्स, ए माइनस ए टू या फाइव, तो फाइव, तो 5 किस में है प्लस में, अभी साइन की कोई वैल्यू नहीं है तो प्लस दे देंगे। 5 में से 2 गया कितना बचा, 3x स्क्वायर। पावर नहीं कम करना है फ्रेंड्स क्योंकि जोड़ते घटाते समय पावर सेम रहता है, पावर ऐड सबट्रैक्ट कुछ भी नहीं होता। उसके बाद जितने भी नंबर है सबको शो कर दीजिए, शो कर दिया। अब देखिए मुझे करना क्या है, शुरू से शुरू भी समझना है। यहाँ देखिए शुरू में इसका प्लस है तो प्लस दीजिएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस दीजिएगा, यहाँ क्या है फ्रेंड्स प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब मुझे करना क्या है ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ से शुरू, शुरू यहाँ से लेना है और इसका शुरू, अब यहाँ भूल जाइए, तो ये शुरू 3 है और ये 6 है, तो दोनों तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसे पोजीशन में आप देखिए कि 3 का टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, तो 3 टू जा 6 टू टाइम, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 2 लिख देंगे। अब मुझे करना क्या है, पावर देख लीजिए, इस पे 2 है और इस पे 3 है, कितना कम रहा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे 3 में से 2 गया 1 पावर, यानी 1 कम रहा है, इसके पास 2 है इसके पास 3 है तो 1,
एक के लिए क्या लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे, एक से लिख देंगे फ्रेंड्स, एक्स लिख दिया। अब मुझे करना क्या है, मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इसे ब्रैकेट में कर लेना है फ्रेंड्स, हमेशा इसको ब्रैकेट में रखना है। और जो अभी जस्ट लिखे हैं, ओनली ये लेके चलना है, पूरा नहीं, ओनली जो जस्ट लिखे अभी, तो प्लस 2x, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जस्ट 6, नंबर नंबर का मल्टीप्लाई, x के पावर 4, उसके बाद माइनस 2 5 10x, इस प्रकार से आया फ्रेंड्स। इसको अरेंज कर लीजिए, पावर 4 वाला, सॉरी फ्रेंड्स 2 और यहाँ 1 है तो 3, पावर 3 वाला 3 के सामने, यानी कि प्लस 6x के पावर 3, उसके बाद x वाला x के सामने, यानी कि x वाला कौन है, माइनस 10x यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10x, इस प्रकार से लिख देंगे फ्रेंड्स। अब देखिए साइन चेंज होगा, साइन कैसे चेंज करना है, देखिए इसको सर्कल कर लेना है, माइनस हो गया, और ये जो माइनस है क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, प्लस बन जाएगा। आप ध्यान देना है, प्लस से माइनस से नंबर सेम, एक कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पे एक माइनस से और एक प्लस से भी कैंसिल हो गया, इस साइन की कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, माइनस और एक प्लस देखना है नीचे का साइन। अब क्या करना है, जो बच गया उसे लिख दीजिए 3x² - 5, जैसा बच्चा वैसा लिख दिया फ्रेंड्स। अब मुझे आगे क्यों चलना है इसके ध्यान दीजिएगा, तो फ्रेंड्स आप ध्यान देना है फिर शुरू से शुरू, यहाँ प्लस से तो प्लस दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस आए तो माइनस दीजिएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब क्या करना है, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 सेम है, नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, पावर यहाँ 2 यहाँ भी 2 बिल्कुल सेम है, ना तो पावर कम पड़ा ना तो नंबर, इसलिए ऐसे पोजिशन में ओनली 1 लिखना है, 1 नंबर 1 लिख दिया फ्रेंड्स। अब करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस प्रकार से लिख लेंगे, और जो अभी जस्ट लिखे उसको बाहर साइन के साथ, हम मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो प्लस 3x² - 5, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आ गया फ्रेंड्स। ऐसे इस प्रकार से लिख दीजिए, x² वाला x² के सामने नंबर, नंबर के सामने साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज हुआ तो देख लीजिए कैंसिल, अरे भी माइनस प्लस कैंसिल। अब क्या करना है, क्या बच गया फ्रेंड्स, 0, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से डिवाइड हो गया। अब हमें निकालना है जीरोस, तो जीरोस निकालने के पहले क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिख देंगे 9, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9 x² + 2x + 1, जो इसका क्यूसेंट आया वो क्यूसेंट को लेके चलना है। अब देखिए इसको फैक्टोरिजेशन करना है, तो फैक्टोरिजेशन का रूल क्या होता है, फर्स्ट वाले को कुछ करना नहीं है और लास्ट वाले को भी कुछ करना नहीं है, बीच वाले में क्या करना है, तो प्लस एक्स देख लीजिए, एक्स एक्स 2x, और मल्टीप्लाई करने पे 1 आना चाहिए, 1 आ जाएगा और मिल जाए 1। अब क्या करना है, इन दोनों में इक्वल टू किसको लेके चलना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है, एक्स एक्स मैच किया तो एक्स ले लिया, बचा क्या, एक्स प्लस 1, और प्लस इन दोनों में तो 1 इंटू एक्स प्लस 1, आप बचा क्या फ्रेंड, तो एक्स प्लस 1 ये दोनों कॉमन है, तो एक टाइम लिखना है, और इसका एक्स प्लस 1। अब निकालना है इसका जीरोस, क्या निकालना है, जीरोस, तो जीरोस निकालने के लिए थोड़ा रफ कर लेते हैं फ्रेंड्स, आसानी से समझ में आएगी, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हुआ। अब इसका जीरोस कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा, अब जीरोस निकालेंगे तो क्या है, जीरोस तो क्या है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या लेके चलना होता है फ्रेंड, 0, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1, और दूसरा भी वही है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 1। अब लिखेंगे जीरोस ऑफ, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स आपका हो जाएगा अंडर रूट 5/3, अंडर रूट 5/3, और उसके बाद माइनस अंडर रूट 5/3, और उसके बाद माइनस वन, यही फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।